अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे भाई और दोस्त। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, अब दोस्तों ने बड़ा अच्छा उसका जो है ना रिस्पांस दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। काफ़ी दोस्तों ने शेयर भी की उसको, उस वीडियो को शेयर भी किया, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे वो भी काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो के ज़रिए जो है ना ऊपर गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो है ना एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो मुनफो पे है। ये पता नहीं ये दूसरे लेवल का है या तीसरे लेवल का है, जो साबित होगा हम के आईपी जो प्रोग्राम है उसका, या चौथे लेवल का है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपने अभी ये जो मैं स्टडी शुरू करवा रहा हूँ, इससे अभी आपने फिक्रे बनाने शुरू करने हैं जो कोरिया में लड़के हैं या पाकिस्तान में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा फिक्रे बनाएं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। तो दोस्तों, जो वो मुनफो का नाम है वो है मादा। तो फ्रेंड, ये मादा जो है ना ये बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होता है। हमने जब पढ़ा था वो उन्होंने बताया था कि एक दिन में, एक हफ्ते में, या एक महीने में, या एक साल में, लेकिन ये वक्त के साथ साथ मुझे मजीद गुफ्तगू हुई है इस पर, तो पता चला कि ये और भी बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि देखें, इसका जो लफ्जी मैनी है वो आता है हर में, हर जो होता है ना उसमें इसके लफ्जी मैनी में जो है ना इसके हर है, लेकिन ये किस तरह इस्तेमाल होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखें कि आप एक दिन में जैसे कोई काम करते हैं ना, तो उसमें ये कैसे इस्तेमाल होगा। दिन को कहते हैं हारू, नल, इल। तो ये देखें, तो फ्रेंड ये देखें क्या हो गया कि हर दिन, नल दिन को कहते हैं और मादा हर दिन, जो आप दिन में एक दफा काम करते हैं ना उसको आप क्या कहेंगे, नल मादा। जैसे नल मादा आप क्या करते हैं, आप कोई भी फिक्रा बना सकते हैं इस पे, नल मादा। नल मादा शावो हे हो, नल मादा जो है ना ईरल ताका हो। मैं आपको एक एक फिक्रा बना के दिखाऊंगा अभी, आप जो है ना नेक्स्ट खुद ट्राई कीजिएगा, जो आप एक दिन में काम करते हैं ना ये उसके मतलब है। देखिए अभी क्या है, नल मादा शावो हे हो, नल मादा ईरल ताका हो, आप ये भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो भी एक नल मादा हुए साय खाओ, जैसे ये है, तो आप इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं कि नल मादा हुए साए खायो, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊं, ये था एक दिन में, जो आप एक दिन में काम करते हैं। तो नंबर दो है फ्रेंड्स, चूमादा। चूमादा है जो ये है कि जो आप एक हफ्ते में काम करते हैं, एक दिन, यानी कि एक हफ्ते में जो आप एक काम करते हैं ना, जैसे आप कह सकते हैं कोई आपको कहता है, आप मार्केट में गए हैं, वो कहता है आपको कि भाई यहाँ छाजू आयो, आप अक्सर यहाँ पे आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आनियो छूमा दा ना वायो, छूमा दा वायो, छूमा दा वायो, या छूमा दा ना वायो। तो फिर वो क्या बनेगा, छूमा दा या आप ये भी कह सकते हैं के छूमा दा योंगवारल फायो, छूमा दा थंसाने खायो, कुछ भी आप कह सकते हैं, फिक्रा आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हफ्ते वाला, यानी कि आप जो एक दिन में काम करते हैं वो इसका मतलब ये था, और जो आप हफ्ते में करते हैं वो ये था। इसके बाद आएगा महीना, उसको कहते हैं थलमादा। थलमादा यानी कि आप एक महीने में जो काम करते हैं एक महीने बाद, तो आप क्या कह सकते हैं कि थलमादा वोल्गबल फादा हो, सबसे बेहतरीन चीज ये है थलमादा।
आप क्या कह सकते हैं कि थलमा था बुलगबल फादायो, ठीक है ना। उसके बाद है तो फ्रेंड ये देखें, जैसे था कि बुलगबल फादायो थलमा था, जो आप महीने में काम करें ना तो उसको आप कह सकते हैं कि थलमा था मैं फलां काम करता हूँ या जो काम करता हूँ। तो अभी देखें, मैं थलमा था की मैंने एक मिसाल दिया कि बुलगबल फादायो कि हर महीने मैं जो है ना वो तनख्वाह लेता हूँ। नंबर दो मिसाल आप कोई भी कर लें कि मैं ना हर महीने में एक दफ़ा जो है ना, जैसे मैं फिल्म देखने सिनेमा जाता हूँ। यानी कि जो है ना हर महीने में मैं एक दफ़ा सिनेमा जाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब था कि मैं हर रोज़ शावर करता हूँ, मैं हर रोज़ जो है ना कंपनी जाता हूँ। इसके बाद था छूमा दा शीजा के खायो कि मैं हर हफ्ते में जो है ना हफ्ते में बाजार जाता हूँ। छूमा दा थंगसा ने खायो कि मैं पहाड़ पर जाता हूँ। नंबर ये थलमा दा था कि बुलगबल फादायो मैं हर महीने तनख्वाह जो है ना एक दफ़ा लेता हूँ महीने में। थलमा दा सिनेमाए खायो के यानी कि मैं हर महीने में एक दफ़ा मूवी देखने के लिए जाता हूँ। तो आ गया फ्रेंड्स हे माता, हे कहते हैं साल को, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि जब नया साल आता है तो ये मुबारकबाद देते हैं, से हे बुक मानी फादे से हो, यानी कि नए साल की आप खुशियां ज़्यादा हासिल करें, वसूल करें। तो ये वो है कि हे मादा के साल में आप एक दफ़ा जो है ना वो क्या करते हैं। तो अभी आप फ्रेंड देख सकते हैं, हे मादा, सॉरी ये पीछे भी लिखा हुआ है, हे मादा आप कह सकते हैं कि हे मादा खोयांग खायो, खोयांग के खायो यानी कि मैं हर साल बाद जो है ना अपने भाई मुल्क जाता हूँ। उसके बाद है यानी कि फिर आप कह सकते हैं कि हे मादा थ्वेजी कोमल फादायो, यानी कि आप साल के बाद एक दफ़ा जो है ना वो जो तनख्वाह मिलती है अगर कोरिया में, थ्वेजी कम उसको कहते हैं। फ्रेंड ये था, साल का भी हो गया। तो अभी फ्रेंड्स मैं जो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा उसको आपने ध्यान से देखना है। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल देखें, बहुत सारे दोस्त आज कुछ फैसलाबाद एबटाबाद लड़कों ने मेरे से रब्ता किया कि सारे ये चैनल अभी हमें मिला है, हम टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो मेहरबानी करके उनके साथ शेयर करें ये जो चैनल है, ताकि वो स्टडी करें और लाइक किया करें। जितने भाई देखते हैं वीडियो को वो ज़रूर लाइक करें। तो फ्रेंड देखें, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि मिसाल के तौर पे आप बस स्टॉप पे गए हैं और आपने देखा कि बस गुजर गई है, ठीक है ना। तो आप साथ वाले बंदे से पूछेंगे कि फुस छीना सोयो थाम फुस उंजे ना आवायो या म्योशिये ना आवायो, कि अगली बस जो है वो कब आएगी या कितने बजे आएगी। तो देखें इसमें अगर बस एक घंटे बाद आती है तो आप कह सकते हैं कि हांछी गान मादा ना आवायो। यानी कि हर घंटे बाद आती है। उसके बाद अगर वो 5 मिनट बाद आती है, कई लोग ऐसे होते हैं बिजी होते हैं बस स्टॉप होते हैं फोस चंगरू जाएंगे जहाँ पे ये जो बस है वो 5 मिनट बाद भी आती है, 10 अगर 5 मिनट बाद आती है तो आप कह सकते हैं ओबुमा दाना ओबुमा दवायो, यानी कि 5 मिनट बाद आती है, हर 5 मिनट में आती है। शिबुनमा दवायो हर 10 मिनट बाद आती है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद देखें कि आप अगर गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो कोई बंदा कह रहा है कि कोरियन कहता है कि जी हमारे मुल्क में शादी ऐसी होती है योने ख्योरन जुंगने ख्योरन, योने ख्योरन होती है जो आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं, और जुंगने ख्योरन होती है कि जो आप किसी के वालदैन की मर्जी से या किसी के तआरफ से जो है ना शादी करते हैं। तो देखेंगे अगर वो कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में तो सारे योने ख्योरन करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नारा मादा मुनुहा गा थालायो, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको कि हर मुल्क का जो है ना वो
अलग अलग कल्चर है, मुनवा कल्चर को कहते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि यार वो बंदा बड़ा कड़वा है, वो बंदा बड़ा जो है ना अच्छा है। तो आप कह सकते हैं सारम मादा सेंगा की थाला है, हर बंदे की सोच अलग है, या हर सारम मादा सोंगियो की थाला है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद मैं भी आपको बताऊं कि आप कहते हैं कि यार वो फलां कंपनी है जो उसमें ऐसे है, फलां जो है ना कंपनी उसमें ऐसे है, तो आप हवेसा मादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर फैक्ट्री में ये होता है, ये होता है। तो फ्रेंड ये था मादा, ये देखने में तो बड़ी आम सी चीज़ थी, लेकिन इससे आप 10, 20, 50 नहीं 100 की तादाद में फिक्रे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पाकिस्तानी जितने भी भाई इधर हैं कोरिया में उनको फ़ायदा हो, वो ज़ुबान सीख सकें। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसी तरह आपको नेक्स्ट मुनफु बताऊँगा। जिस भाई को समझ ना आए वो कमेंट करके भी बता सकता है, और नीचे मैं अभी आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है और अपने चैनल का नाम भी बताता हूँ। ये भाई जान मेरा कोरियन टेक 24 जो है ये यूट्यूब पे चैनल है, आप इसको भी जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये दो है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये 2008210636315452। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा पर्सनल नंबर भी यही है कोरिया में। तो जिस भाई को मसला वो मुझे व्हाट्सएप पे भी SMS कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।